नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सुकर्ण, सहायक आचार्य EFM श्री राधेश्याम आर मुरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। आज हम BCOM पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज यूनिट संख्या सेकंड में अनुपात विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। अनुपात विश्लेषण रेशियो एनालिसिस जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से यूनिट संख्या सेकंड में एक प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुपात विश्लेषण में हमने पूर्व के वीडियो में हमने अध्ययन किया था क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज़ में, उनका आज न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन अध्ययन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में चार न्यूमेरिकल के क्वेश्चन इसमें आते हैं, जिसमें एक 5 नंबर का होता है। टोटल 20 नंबर के मार्क्स में 4 रेशो आपके एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर्गत रेशो का अध्ययन करेंगे, वित्तीय विवरणों के अनुसार वर्गीकरण। वित्तीय विवरण फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वित्तीय विवरणों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। उनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे स्थिति विवरण के अनुसार अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट। अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट में मुख्यतया 3 प्रकार के रेशियो हैं, जिसमें पहला है चालू अनुपात, करंट रेशियो सेकंड है त्वरित अनुपात, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो या तरलता अनुपात रेशियो या अम्ल परख अनुपात भी इसे अपन कहते हैं। तीसरा है डेप्ट इक्विटी रेशियो, ऋण क्षमता अनुपात। डेप्ट इक्विटी रेशियो, ये 3 प्रकार के अनुपात हैं जो कि अधिकतर आपके एग्ज़ाम में इनके तीनों के प्रश्न एग्ज़ाम में आपके आते हैं। आज हम इसी क्रम में स्थिति विवरण के अनुपातों का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला है चालू अनुपात। चालू अनुपात में चालू अनुपात वे अनुपात हैं जिसमें करंट असेट्स बटे करंट लायबिलिटीज़ का भाग देने पे जो आते हैं वे चालू अनुपात हैं। इसका सूत्र है फॉर्मूला चालू संपत्तियां डिवाइड बाय चालू दायित्व, या आपने इसको ऐसे भी कह सकते हैं करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। ये अपने इसको ऐसे भी कह सकते हैं करंट असेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। चालू अनुपात करंट असेट्स बटे करंट लायबिलिटीज़ का भाग देने पर जो आता है वो चालू अनुपात होता है। इसका आदर्श अनुपात
आदर्श अनुपात 2:1 है। कई बार आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी ये पूछते हैं कि चालू अनुपात का आदर्श अनुपात क्या है, तो इसका आदर्श अनुपात 2:1 है। चालू अनुपात में जैसा कि मैंने आपको बताया, चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व। अब हम बात करें चालू संपत्तियों। चालू संपत्तियां क्या हैं? चालू संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जो एक वर्ष के दौरान नगद में परिवर्तन हो जाए, वह चालू संपत्तियां होती हैं। और चालू दायित्व वे हैं जिनका एक वर्ष के दौरान भुगतान करना होता है, वे चालू दायित्व कहलाते हैं। चालू संपत्तियां बहुत हैं, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, और भी विभिन्न प्रकार की संपत्तियां हैं जो कि चालू संपत्तियों में सम्मिलित हैं। अगला है चालू दायित्व। चालू दायित्व करंट लायबिलिटीज़ वे हैं जो एक वर्ष के दौरान उनका भुगतान किया जाता है, जैसे बिल्स पेबल्स, बीपी, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और भी विभिन्न प्रकार के दायित्व हैं। लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, जिनका भुगतान एक वर्ष के दौरान करना पड़ता है, वे चालू दायित्व कहलाते हैं। इस प्रकार इनमें चालू संपत्तियों में से चालू दायित्व के भाग देने पर जो शेष होता है वे चालू अनुपात होते हैं। अगला इसी में स्थिति विवरण के अनुपात में सेकंड है त्वरित अनुपात। क्विक असेट्स रेशियो में करेंट असेट्स में अपन स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस घटाने के बाद में उसको करंट लायबिलिटीज़ में भाग देने पर जो शेष होता है वो अपना त्वरित अनुपात कहलाता है। त्वरित अनुपात का आदर्श अनुपात 1:1 है। इस प्रकार से स्थिति विवरण के अनुसार रेशियो एनालिसिस में चालू अनुपात और त्वरित अनुपात ये हैं। अगला है तीसरा ऋण समता अनुपात। डेप्ट इक्विटी रेशियो इसका फॉर्मूला होता है डेप्ट बटे इक्विटी। डेप्ट बटे इक्विटी ऋण समता अनुपात में सम्मिलित है। अगला हम इसी क्रम में करंट रेशियो से संबंधित एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम हम उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अंकित करेंगे। उदाहरण के लिए एक फर्म या कंपनी में हम बात करें चालू अनुपात की गणना। जैसा कि हम माने चालू अनुपात के अंतर्गत एक फर्म में टोटल, जैसे क्वेश्चन है उदाहरण के रूप में
डेटर हैं, मान लेते हैं 35,000, बिल्स पेबिल 15,000, स्टॉक 20,000, क्रेडिटर 25,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 20,000, डिबेंचर हैं मान लेते हैं, डिबेंचर हैं 80,000, अक्यूर्ड इनकम 5,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। इसका अपने को चालू अनुपात ज्ञात करना है। चालू अनुपात का फॉर्मूला है करंट रेशियो बराबर करंट असेट्स बटे करंट लाइबिलिटीज। जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, करंट असेट्स वे होती हैं, जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया था, वे संपत्तियां जो एक वर्ष के दौरान नकद में परिवर्तन हो जाए करंट असेट्स कहलाती हैं। जैसे डेटर्स अपनी करंट असेट्स हैं, बीपी इनका भुगतान अपने को करना है एक साल में, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, स्टॉक अपना स्टॉक है, एक वर्ष में नकद में परिवर्तन हो जाए करंट असेट्स हैं, क्रेडिटर करंट लाइबिलिटीज़ हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस अपने को पहले से इसका भुगतान कर दिया अपना करंट असेट्स हैं, डिबेंचर न करंट असेट्स हैं न करंट लाइबिलिटीज़ हैं, अक्रूड इनकम ये अपनी करंट असेट्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये अपना करंट लाइबिलिटीज़ में सम्मिलित हैं। इसी प्रकार हम अगर करंट असेट्स की कैलकुलेशन करें तो करंट असेट्स कौन कौन सी होगी अपने पास, डिबेंचर 35,000, डेटर्स 35,000 प्लस स्टॉक 20,000 प्लस क्रेडिटर्स नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000, डिबेंचर नहीं है, अक्रूड इनकम 5,000 प्लस 5,000 80,000 अपनी क्या आ गई, करंट असेट्स 80,000 आ गई। अब करंट लाइबिलिटीज़ में सम्मिलित हैं बिल्स पेबिल्स 15,000, करंट लाइबिलिटीज़ लिख देता हूँ मैं 15,000 प्लस क्रेडिटर्स 25,000 25,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस अपना करंट एसेट्स से हैं, अक्रूड इनकम करंट एसेट्स से हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपना करंट लाइबिलिटीज हैं, तो ये 10,000। इस प्रकार 40 और 10 50,000 अपनी करंट लाइबिलिटीज़ आ गई। जैसा कि मैंने आपको सूत्र में बताया करंट रेशियो बराबर करंट असेट्स बटे करंट लाइबिलिटीज़, तो करंट असेट्स अपनी टोटल हैं 80,000 और करंट लाइबिलिटीज़ हैं 50,000। तो इस प्रकार से अपना ये अनुपात आ जाएगा 1.6:1, ये अपना करंट रेशियो का अनुपात आ चुका। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया
करंट रेशो का आदर्श अनुपात 2:1 है, तो ये फर्म के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। आगे हम इसी क्रम में इसकी बात करें करंट क्यूक रेशो की। क्यूक रेशो ज्ञात करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, करंट असेट्स बटे करंट लाइबिलिटीज़, इसमें माइनस हो जाएगा स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें करंट एसेट्स अपनी 80,000 माइनस स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये घट जाएंगे 40,000। 20,000 स्टॉक है प्लस 20,000 अपना प्रीपेड एक्सपेंसेस है डिवाइड बाय 50,000, तो 40,000 बटे 50,000, ये इस प्रकार 1:1। तो 1:1 मैंने आदर्श अनुपात बताया था क्यूक रेशियो में, इसलिए ये भी फर्म या कंपनी की स्थिति सुदृढ़ एवं दयनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के हम वीडियो में अध्ययन करेंगे आगे डेप्ट इक्विटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू।